क्या आपने टीकाकरण या जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में सुना है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, कहीं भी सुना नहीं जाएगा अपने, कभी स्कूल में या घर पे? टीका क्या होता है? कुछ नहीं सुना। ऐसा हमारे बचपन में लगते थे, टीके लगते थे, वो बाजू में लगते थे। अच्छा जी। उससे सारी बीमारी खत्म। हमारे जमाने में डॉक्टर इंजेक्शन नहीं थे। अच्छा अच्छा। हमारे जमाने में तो वो एक कील हुई अपना बाजू पर लगा दी, उसको घुमा दिया, दो तीन दिन पक्का अपना सही हो गया। आज तक एक तो टीका ये माथे पे लोग टीका करते हैं, दूसरा इंजेक्शन को भी अपने सरल हिंदी भाषा में टीका बोलते हैं। ये तो नहीं सुना यार कभी यार। वैक्सीनेशन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको दिया जाता है। टीका तो जो बच्चों का टीका लगवाते हैं, टीका लगाते हैं बॉडी बनाने के लिए। आपके परिवार में किसी को लगे टीके? घर में किसी को नहीं? तो हमने लोगों से पूछा कि वैक्सीन या टीका के बारे में वो क्या जानते हैं, और इन वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का नाम सुना तो है, वैक्सीन लगवाई भी है, पर वो ये नहीं जानते कि ये वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से जो नहीं जानते कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, या जो नहीं जानते कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, आइए इस वीडियो के द्वारा हम जान लेते हैं कि वैक्सीन के पीछे का विज्ञान क्या है। तो आजकल के टाइम में क्या आपने किसी को स्मॉल पॉक्स या पोलियो से बीमार होते देखा है? नहीं ना। पर कई सालों पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। पुराने समय में इन्हीं बीमारियों ने हजारों लाखों लोगों की जान ली थी। तो अगर मैं उदाहरण लूँ पोलियो का, आपको दो बूंद जिंदगी की वाला अभियान और उसके नारे आज भी याद होंगे। 2009 में भारत में 741 पोलियो केसेस पाए गए थे, और 2011 में पोलियो वैक्सीन के प्रवेश के कारण हमारा भारत पोलियो मुक्त हो गया था। और स्मॉल पॉक्स और पोलियो ही क्या, आज भारत में कई अलग अलग तरह की बीमारियों के वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, टीबी, टेटनेस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो हमारे भारत में अवेलेबल हैं बच्चों को लगवाने के लिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए उनको पैदा होने के बाद ही ये अलग अलग बीमारियों के टीके लगा दिए जाते हैं, बेचारे बच्चे। पर यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि इन वैक्सीन्स में ऐसा क्या होता है जो हम बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये जानने के लिए कि वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, आइए हम अपने शरीर को थोड़ा और अच्छे से जान लें। आपको ये तो पता है ना कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन, जिसे हम रोग पैदा करने वाला जीव भी कहते हैं, अगर हमारे शरीर में वो एंटर करता है, तो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, वो उस पैथोजन से लड़कर हमारी बॉडी को बचाती है। कई बार हमारे वाइट ब्लड सेल इन पैथोजन को खत्म भी कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन अगर हमारा शरीर उस समय कमजोर हो, हमारे WBCs उनको ना मार पाए, या वो पैथोजन ज्यादा स्ट्रांग हो, तो हम बीमार हो जाते हैं। यहाँ पर एक जरूरी बात जो जानने वाली है वो ये है कि जब भी हमारे WBCs की आर्मी उस पैथोजन से लड़ती है और उसको मार भगाती है, तो कुछ सेल्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जिन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि वो पैथोजन कैसा दिखता है, उसकी बनावट कैसी है, और उससे कैसे लड़ना है, ताकि अगली बार अगर वो पैथोजन दोबारा हमारे शरीर में आए, तो हमारी बॉडी को पता हो कि उसे कैसे खत्म करना है। कभी अगर हमें कोई बीमारी एक बार हो जाती है, तो कहा जाता है कि वो बीमारी हमें दोबारा नहीं होगी, या उस बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम है। शरीर की इसी क्षमता को ध्यान में रखकर ये वैक्सीन तैयार की गई है। ये वैक्सीन जो दवाई जैसी दिखती हैं, इनके अंदर पैथोजन को कमजोर करके या मार कर डाला जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ पोलियो ड्रॉप्स का, जो पोलियो वैक्सीन ही है, उसमें पोलियो वायरस को ही कमजोर करके डाला गया है। लैब में तैयार की गई इन वैक्सीन में ये पक्का किया जाता है कि ये किसी के शरीर में भी जाकर बीमारी में तब्दील ना हो। इससे हमारे शरीर को उस पैथोजन से लड़ने का अनुभव हो जाता है और हम बीमार भी नहीं होते।
तो अब आप जान गए हैं कि ये वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेनिंग कोर्स की तरह है हमारे शरीर के लिए, और हम इन वैक्सीन्स के द्वारा अपने शरीर के साथ ये खेल खेलते हैं जिसमें हम खुद पैथोजन को कमज़ोर कर अपनी बॉडी में भेजते हैं। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको लगता है कि वो पैथोजन आ गया है और वो अपनी आर्मी को लेकर तैयार हो जाते हैं और उससे लड़कर उसे मार देते हैं, और उसी समय हमारी बॉडी में वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो याद रखते हैं कि अगली बार वो पैथोजन आएगा तो उससे कैसे लड़ना है, और उन्हीं मेमोरी सेल्स के कारण हम उसी बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर होती है, और इसीलिए हम इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं वैक्सीन्स के प्रवेश के कारण आज हम स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी घातक बीमारियों से मुक्त हो पाए हैं, और इसी तरीके से वैज्ञानिकों की खोज से हम जल्दी HIV, मलेरिया और इबोला जैसी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन्स तैयार कर लेंगे।